अराजी रिकॉर्ड सेंटर कबीरवाला में वुकला की मुबैना गुंडा गर्दी देखने में आई है। वुकला का अराजी रिकॉर्ड सेंटर की अमला पर तशद्दुद किया गया है और मारपीट भी की गई है। एसपीओ एसएओ कबीरवाला मोहम्मद इरफान ने अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी जान बचाई। वुकला ने जबरदस्ती 8 टोकन हासिल किए। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कबीरवाला से, जहां अराजी रिकॉर्ड सेंटर कबीरवाला में वुकला की मुबैना गुंडागर्दी देखने में आई है। वुकला का अराजी रिकॉर्ड सेंटर की अमले पर तशद्दुद किया गया है। आपको हम खबर से आगाह करें, आपको बता दें कि कबीरवाला में अराजी रिकॉर्ड सेंटर कबीरवाला में वुकला की मुबैना गुंडागर्दी देखने में आई है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा रोहित शहजाद ने। जी शहजाद बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये रिकॉर्ड सेंटर कबीरवाला में कुछ वुकला ने अपने काम के सिलसिले में आए थे। रिकॉर्ड सेंटर में साइलिन का रश होने की वजह से लंबी लाइनें लगी हुई थी। वुकला ने इस सेंटर के अमले को जदोकोप किया और उनसे कहा कि हमें फौरी तौर पर टोकन दिए जाए। इस पर उन्होंने 8 टोकन जारी कर दिए और उसके बाद जब 16 टोकन का मजीद मुतालबा किया तो उन्होंने मजीद फिर इनकार किया राजी सेंटर के अमले ने। उन्होंने उसके बाद फिर तशद्दुद शुरू कर दिया। आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि वो तशद्दुद कर रहे हैं। इसी असना में जो उनके सीओ थे मोहम्मद इरफान, उन्होंने एक कमरे में बंद होकर अपनी जान बचाई और उनका यही मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमें तहफ़ फराहम किया जाए और इस गुंडागर्दी से हमें निजात दी जाए। जी जी बहुत शुक्रिया शहजाद रजा आपका।